पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बड़े तनाव के बाद पूरे देश में जहां अलर्ट है, वहीं इसके बाद किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा को लेकर उधम सिंह नगर जिले की पुलिस भी अलर्ट पर बनी हुई है। दो दिन पूर्व चंपावत जिले के बनबसा में मोर्टार मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवरात्रि के मौके पर जिले में होने वाले आयोजनों को लेकर भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। शिवरात्रि पर जिले के खटीमा में चकरपुर इलाके में लगने वाले पौराणिक सात दिवसीय शिवरात्रि मेले के निरीक्षण को लेकर खुद एसएसपी ने खटीमा पहुंचकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर लगने वाले इस मेले में सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट रहने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं एसएसपी ने इस दौरान सीमांत क्षेत्र में हजारों लोगों के आस्था के केंद्र वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर इस मंदिर में अपनी आस्था को भी व्यक्त किया। महाशिवरात्रि सभी जगह जल चढ़ाया जा रहा है श्रद्धालुओं द्वारा, जसपुर से लेके खटीमा तक हमारे जितने भी मंदिर हैं वहाँ सब जगह ड्यूटी लगाई गई है। ये हमारे जो क्षेत्र अधिकारी हैं सीओ साहब, उन्होंने बताया था कि 10 दिवस का वृहद मेला यहाँ पर होता है, उसके लिए आपने बोर्ड्स भी डिमांड किया था, तो वृहद मेला था, इस वजह से हमने सुरक्षा व्यवस्था क्या है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, ये सब देखने के लिए आज यहाँ पर निरीक्षण भ्रमण के लिए आए थे। स्थानीय जो कमेटी है उससे भी चर्चा हुई है। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।